रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर, तीन राज्यों के सीएम उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली दरबार में मुलाकातों का दौर जारी। जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे की मुलाकात जारी। बीजेपी कल कर सकती है पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान। दूसरी बड़ी खबर, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री आवास जाकर पीएम मोदी से की मुलाकात। इसकी बड़ी खबर, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी। 11 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम में शामिल हुए सोनिया, राहुल और प्रियंका, पीएम मोदी ने बधाई दी। चौथी बड़ी खबर, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण से पहले एक्शन में सरकार। केसीआर के घर के बाहर पहुंचे जेसीबी। अवैध निर्माण को डहाने पहुंची प्रशासन की टीम। आज की बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक। तीन राज्यों में जीत पर पीएम मोदी का सम्मान किया। पीएम मोदी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माला पहनाई। संसदीय दल की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, नड्डा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। छठी बड़ी खबर, पीएम ने दिया 2024 में जीत का मंत्र। संसदीय दल की मीटिंग में उन्होंने कहा कि सभी सांसद विकसित भारत यात्रा का हिस्सा बने और जनता को सरकार के काम गिनाएं। सातवीं बड़ी खबर, राज्यों में चुनाव लड़ने वाले 10 सांसदों ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा सौंपने के बाद सांसदों ने पीएम से मुलाकात भी की। मोदी की सांसदों से विधायक बने नेताओं की तस्वीर सामने आई। आठवीं बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। छिंदवाड़ा के बाद श्योपुर का दौरा किया। शिवराज ने हारी हुई सीटों पर जाकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। श्योपुर की दोनों सीटें बीजेपी हार गई थी। रात 9 बजे की नौवीं बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में मिली हार पर कांग्रेस में मंथन जारी। हार के बाद पार्टी छोड़ने का दौर शुरू। खंडवा, बुरहानपुर कांग्रेस जिला प्रभारी ने इस्तीफा दिया। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं कमलनाथ। नेता प्रतिपक्ष को लेकर हो सकती है चर्चा। दसवीं बड़ी खबर, संसद में पीओके पर शाह के बयान से बढ़के कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का, जवाहरलाल नेहरू को गाली देना और गलत तथ्य रखना बीजेपी की आदत बन गई है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुद्धि का प्रयोग न किया होता तो श्रीनगर आज हमारे पास नहीं होता। ग्यारहवीं बड़ी खबर, अमित शाह के पंडित जवाहरलाल नेहरू वाले बयान पर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, कांग्रेस पार्टी को बुरा लगने की कोई बात नहीं, उन्हें स्वीकार करना होगा कि नेहरू ने गलती की थी। कल संसद में पीओके को लेकर अमित शाह ने कहा था कि नेहरू की गलती का नतीजा ही पीओके। बाद में बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार का बयान, हम चाहते हैं विपक्ष एकजुट हो, मुझे पद नहीं चाहिए, विपक्ष को एकजुट करना है, बीमारी को लेकर मेरे बारे में अफवाह फैलाई गई। तेरहवीं बड़ी खबर, दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी से ऑडिट कराने का सीएम अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया। दिल्ली जल बोर्ड में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप, पिछले 15 साल का कैग से ऑडिट कराएगी केजरीवाल सरकार। अनियमितताओं को लेकर जल बोर्ड में उठे थे सवाल। चौदहवीं बड़ी खबर, दिल्ली में कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर रैली। ईपीएस 95 पर सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे प्रदर्शनकारी। न्यूनतम 7,500 रुपए मासिक पेंशन करने की मांग। पंद्रहवीं बड़ी खबर, प्रशासन के आश्वासन के बाद गोगामेडी की पत्नी ने धरना खत्म किया। आज पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 दिसंबर को श्रद्धांजलि सभा। सोलहवीं बड़ी खबर, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। 3,000 वीवीआईपी समेत 7,000 मेहमानों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। राजनीतिक, उद्योग, फिल्म और खेल जगत की कई हस्तियों को न्योता भेजा गया। सत्रहवीं बड़ी खबर, तमिलनाडु में बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बारिश के बाद चेन्नई के कई इलाकों में पानी भर गया। आंध्र प्रदेश के एलुरु के सरकारी अस्पताल में भी बारिश का असर दिखा है। तीमारदारों और अस्पताल प्रशासन को परेशानी। अठारहवीं बड़ी खबर, पंजाब के पठानकोट में चलाया गया ऑपरेशन सील। जम्मू कश्मीर और हिमाचल की सीमाओं पर यह चेकिंग अभियान चलाया गया। कई शहरों में काफी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी की गई है।
इसीलिए पुलिस ने ऑपरेशन सील चलाया। 19वीं बड़ी खबर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 68वीं पुण्यतिथि, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रद्धांजलि दी। यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में पुष्पांजलि अर्पित की।